मैंने अच्छी तैयारी के साथ में असेंबली में आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो 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 विभाग हैं अलग अलग, और जो मुख्य कानून व्यवस्था की बात है, पेपर लीक की बात है, ये ऐसे मुद्दे जो जनता को भी तकलीफ देते हैं भाई क्या हो रहा है। जबकि ये भी देखने वाली बात है कि अगर पेपर लीक हुए हैं तो राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है, अनेकों राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, तो यहाँ हमने पेपर लीक कैसे हुआ, किसने किए, उन तक हम पहुँचे हैं, कई अधिकारियों को हमने डिस्मिस कर दिया, क्यों को हम लोगों ने उनके मकान वकान के बुलडोजर चला दिए, कानून पास कर दिया, जो कड़े कदम हमने उठाए हैं, और जो बच्चे थे उनको डिबार कर दिया एग्जाम देने से भविष्य के अंदर, इतने कड़े कदम हिंदुस्तान में कहीं नहीं उठाए गए, ये भी देखना पड़ेगा। सरकार और क्या कर सकती है, यही तो कर सकती है, सरकार नौकरी दे रही 3 लाख से ज़्यादा। ये विपक्ष के जो लोग हैं ये चाहते हैं कि परफॉर्मेंस सरकार जो दे रही है इतनी, 1,35,000 नौकरी लग चुकी है, 1,25,000 के इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, और 1,00,000 नौकरी और लगेगी, वो चाहते हैं ये श्रेय क्यों मिले कांग्रेस पार्टी को, सरकार को क्यों मिले, जानबूझ करके जो पेपर लीक हुए हैं ये नहीं देखते यूपी में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, ये नहीं देखते हैं, यहाँ कार्रवाई हुई, लोग जेल भेजा गया, कहीं जेल नहीं भेजा गया, यहाँ सब कुछ कर दिया, कानून बना दिया, जेल भेज दिया, मकान गिरा दिए, बर्खास्त कर दिया लोगों को, सब कुछ कर दिया, पर हमारी जो उपलब्धि बहुत बड़ी है कि 3.5 लाख के आसपास नौकरी लग रही है, उस उपलब्धि को कैसे जनता के बीच में से नहीं मिले सरकार को, इसलिए विपक्ष के लोग जो हैं जानबूझ करके ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बार बार गुमराह रहे लोगों को, झूठे आरोप लगा रहे लोगों पर, झूठे नाम ले रहे हैं के अधिकारियों के नेताओं के, ये इनके षड्यंत्र हैं, ये बुखलाए हुए हैं अपोजिशन वाले, इसलिए बुखलाए हुए हैं, इसलिए जानबूझ के नेताओं के नाम, अधिकारियों के नाम लेना, कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है, और जो गैंग बनी हुई है पेपर लीक करने वालों की, उन तक हम पहुँचे हैं, शिक्षा संकुल में क्या हुआ वहाँ तक पहुँचे हैं, जेल गए लोग बाग, सब कुछ किया है, तो जनता सब समझदार है, सब अधिकारियों के नाम लेना, कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है, और जो गैंग बनी हुई है पेपर लीक करने वालों की, उन तक हम पहुँचे हैं, शिक्षा संकुल में क्या हुआ वहाँ तक पहुँचे हैं, जेल गए लोग बाग, सब कुछ किया है, तो जनता सब समझदार है, सब समझ जाएगी। पिछली गवर्नमेंट के वक्त में भी आप ठीक कह रहे हैं पेपर लीक हुए हैं, आज तो कोई कार्रवाई हुई क्या, और कई राज्यों में तो पेपर लीक हो जाते हैं उसके बावजूद चुपचाप पेपर पूरे हो जाते हैं, और जो फर्जी लोग होते हैं वो उसका फायदा उठा भी लेते हैं, नौकरी लग जाती है। हमने पेपर कैंसिल किए, हमें पीड़ा इस बात की है, 25-26 लाख नौजवान बैठे थे एग्जाम के अंदर, हमने सबके फ्री ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था करी, बहुत खुश हुए बच्चे, हमने प्राइवेट बसों को भी किराया हमने दिया, उनको अलाउ कर दिया कि कोई भी जो अभ्यर्थी है उसको आराम से वो अपना एग्जाम देने आए, उनकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। कलेक्टर को कहा गया भाई यथासंभव इनको रहने की व्यवस्था करो, दूर दूर से आ रहे हैं कहाँ रहेंगे, खाने पीने की व्यवस्था करो, अधिकांश कलेक्टरों ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी, सब कुछ ठीक चला, और पेपर लीक हो गया, एग्जाम कहीं न करने पड़े, अब उसके कारण से वो जो अच्छे काम के हमने किए वो पानी फिर जाता है, तो ये बेईमान जो करने वाले गैंगस्टर हैं इनको हम छोड़ेंगे नहीं, पूरी कार्रवाई करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे पेपर टाइम पे हो, पेपर में निष्पक्षता रहे, और लोगों की नौकरी लगे प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर के अंदर। सारी शक्तियाँ काम ले ली, शक्ति कर दी, और उस दोगे दो में मंजूर है, हम चाहेंगे कि जब इतनी नौकरी लग रही है, इतनी नौकरियाँ किसी राज्य में लगती नहीं है, जब हमने वो बीड़ा उठाया तो कम से कम पेपर तो निष्पक्ष हो।
कांग्रेस के नेता कहते हैं कि दलालों पे नहीं सरगनाओं पे कार्रवाई करो, कई किसान सम्मेलन भी सरगना ही है जिनके ऊपर कार्रवाई करी है, और वो नाम बता देंगे हमें नेता लोग, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई कर देंगे। हम तो हमारे कुल यही सोच है कि जो जिसने ये सब षड्यंत्र किए हैं, जिसने ये पेपर आउट करने के लिए जो मिलीभगत करते हैं, उनके तय तक पहुँचे, और हम पहुँचे भी हैं, आगे भी छोड़ेंगे नहीं हम लोग।